लंबे वक्त से सीटों को लेकर सियासी संघर्ष चल रहा है। कभी किसी को इस सीट पर तो कभी किसी को उस सीट पर भेजा जा रहा है। भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को लोकसभा के मैदान में उतारा है, पर शिवपाल को दिल्ली की राजनीति पसंद नहीं है। उनका मन तो बस लखनऊ में ही लगता है। वो किसी भी तरह अपना टिकट कटवाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बदायूं से उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने पहले यहां से अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। वे बदायूं से दो बार सांसद भी रह चुके हैं। धर्मेंद्र का टिकट काट रही है। शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, पर शिवपाल यादव अपने बदले अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब फैसला पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को करना है। लंबे समय बाद मंगलवार को मुलायम परिवार के 3 सदस्य एक साथ बदायूं में थे। शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव और भतीजा धर्मेंद्र यादव। बदायूं के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में शिवपाल यादव ने अपने मन की बात सार्वजनिक कर दी। उन्होंने मंच से कहा कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा आदित्य चुनाव लड़े। मीटिंग में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया। शिवपाल की बात पर सबने कहा कि हम सब आदित्य के लिए जान लगा देंगे। मंच पर मौजूद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा के साथ काम करने में हिचक थी, लेकिन भाई आदित्य के लिए पूरी मेहनत करूंगा। चाचा शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने की रत्ती भर इच्छा नहीं थी, वे तो शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब अखिलेश ने पहली बार उनके सामने ये प्रस्ताव रखा तब भी शिवपाल तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अखिलेश नहीं माने। उन्होंने धर्मेंद्र का टिकट काट कर शिवपाल का नाम आगे कर दिया कि धर्मेंद्र चुनाव मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे, जबकि शिवपाल को लगता है कि अखिलेश उन्हें यूपी की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर टिकट बदलना पड़ा था। सोमवार को मेरठ में भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को मिल गया। उससे पहले मुरादाबाद में टिकट बदलने पर जबरदस्त ड्रामा हुआ। शिवपाल यादव को लग रहा है कि जब इतने टिकट बदल सकते हैं तो फिर बदायूं में उनके बदले आदित्य को टिकट क्यों नहीं मिल सकता। अखिलेश का मानना है कि परिवार के नए सदस्यों के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। वैसे भी पीएम नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। अब तक चाचा शिवपाल यादव परिवार में और पार्टी फोरम पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब इस बात को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। अब तो सब जान गए हैं कि शिवपाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक तरह से ये अखिलेश यादव पर भी दबाव बनाने की कोशिश है।